કાગળ કે આ વાત કરી છે સત્યજ્ઞાના ટાઈમમાં દેવ લોકોનું બનાવેલું કે છે એટલે આ પથ્થર બી અહીંયા નથી પડતો दोस्तों आज हम आ चुके हैं दाहोद में और दाहोद से लगभग 14-15 किलोमीटर दूर बावका गांव में आ चुके हैं और इसी गांव में दोस्तों आए हैं बावका शिव मंदिर जिनको गुजरात का खजुराहो भी कहते हैं। ये मंदिर अपने आप में काफ़ी सुंदर और रहस्यमय है जिनका इतिहास 1000 से 1100 साल पुराना है। तो वीडियो में हम सब कुछ आगे जानेंगे, वीडियो आखिर तक जरूर देखें। तो दोस्तों फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं बावका शिव मंदिर और यहाँ का जो नेचर का नज़ारा है काफ़ी सुंदर है। चारों तरफ गार्डन बनाए गए हैं काफ़ी सुंदर सुंदर और ये नज़ारे यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और अभी चलते हैं बावका शिव मंदिर और एक्सप्लोर करते हैं। बाकी मैं आपको बता दूँ इस मंदिर को गुजरात का खजुराहो क्यों कहते हैं। तो जो मध्य प्रदेश में आया खजुराहो मंदिर है उस मंदिर के ऊपर जो नक्काशी की गई है ना, ये नक्काशी से हम इसी मंदिर के ऊपर भी देखने को मिलती है, इसीलिए इस मंदिर को गुजरात का खजुराहो कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस तरफ है बावका शिव मंदिर। तो दोस्तों चारों तरफ आपको गार्डन देखने को मिलेगा, फॉरेस्ट द्वारा बनवाए गए देख सकते हो आप, सुंदर नज़ारे हैं यहाँ के। और ये रहा बावका शिव मंदिर, तो वहाँ चलते हैं और आपको इतिहास वगैरह बताते और दिखाते हैं मंदिर। दोस्तों फाइनली इस मंदिर के पास पहुंच चुके हैं और इस मंदिर का सबसे पहले हम इतिहास जानते हैं। इस मंदिर का इतिहास लगभग 1131 से 1240 ईस्वी का है जब सोलंकी वंश के छेले शासक भीमदेव द्वितीय का शासन चल रहा था उसी दौरान ये मंदिर बना था। प्रॉपर मालूम नहीं है कि इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, लेकिन इस मंदिर दोस्तों 2009 को गवर्नमेंट को पता चलती है 2009 को तो इस मंदिर का रिनोवेशन किया जा रहा था, तभी यहाँ पर एक शिलालेख मिलता है 1234 का शिलालेख मिलता है और इसीलिए साफ साफ पता चलता है कि इस मंदिर का निर्माण 1000 से 1100 साल पुराना है। तो चलिए वीडियो आपको दिखाते हैं इस मंदिर। काफ़ी सुंदर है और ये दो शैली में बना हुआ है, मेरा गुर्जर और पंच शैली में बना हुआ है। ये मंदिर पंच शैली यानी कि मुख्य मंदिर बीच में है और चार मंदिर चारों दिशाओं में बने हुए, एक ये मंदिर हो गया और दूसरा उस तरफ है और दो मंदिर पीछे साइड है मंदिर दो, वो आपको मैं बाद में दिखा दूंगा। लेकिन इस मंदिर का आर्किटेक्चर और नक्काशी काफ़ी सुंदर है जो पत्थरों के ऊपर कार की गई है, नक्काशी की गई है। तो दोस्तों ये मंदिर पंच शैली में बना हुआ है और ये मुख्य मंदिर है और टोटल चार मंदिर और आसपास बने हुए हैं, उसमें से एक ये मंदिर है, उनकी मात्र नींव ही बची है और ये भी मंदिर है जिनकी नींव ही बची हुई है और ये इसका मुख्य मंदिर है और दोनों पीछे साइड है। और इस मंदिर के ऊपर जो नक्काशी की गई है वो काफ़ी सुंदर है, देख सकते हो कार्व किया गया मंदिर पत्थरों के ऊपर, काफ़ी सुंदर है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कुछ इतिहास वगैरह बताते हैं। तो महाराज जी यहाँ का इतिहास क्या है, इतिहास इतिहास तो जे मैं आगल के आ बात करी से सत्यजना टाइम में देव लोग बनावेलू के लिए आ पत्थर भी अँ पत्थरों में कोतरणियों बदा युग बतावेला है ऊपर देव लोग जमा के आजकल के छोकरा तो कोई शरम नहीं मिले कोतरणी में बतावेलु बराबर हमें बे मेला पड़ा है श्रावण तो आखो श्रावण है महाशिवरात्रि अग्रियागिरस मेलो अँ जबरदस्त ने अँ शिवरात्रि में तो भंडारा थे मेलो भंडारा जमवा बदल Thank you.
दोस्तों ये मंदिर का मंडप है जिनके आप पिलर ही बचे हुए हैं, ये देख सकते हैं दोनों साइड, यानी कि एक छत होगी लेकिन अभी नहीं है। और चलिए अंदर चलते हैं और दर्शन करते हैं। और यहाँ पर आपको नंदी महाराज देखने को मिलेगी, और जो गेट है, द्वार है, उनके ऊपर बहुत ही अच्छी नक्काशी देखने को मिलेगी। आप देख सकते हो देवी देवताओं की मूर्तियाँ वगैरह नक्काशी की गई है पत्थरों के ऊपर। काफ़ी सुंदर कार किया मंदिर है, और ऊपर की साइड भी काफ़ी सुंदर नक्काशी की गई मिलेगी, और ये ब्लैक पत्थरों में बना हुआ मंदिर है। दोस्तों आप देख सकते हो काफ़ी सुंदर नक्काशी है, देवी देवताओं की नक्काशी है, भगवानों की मूर्तियाँ वगैरह आपको देखने को मिलेगी। क्या सुंदर नज़ारे। एक काफ़ी अद्भुत नक्काशी है, आप समझ सकते हैं कि 1000 साल पहले कैसे उस समय एक ही रात में बनवाई होगी नक्काशी। हर हर महादेव। अभी हम आ चुके हैं गर्भगृह में मंदिर के अंदर, और इस महादेव शिवलिंग के रूप में विराजमान है हर हर महादेव। और यहाँ पर आप देखोगे तो गणेश जी की भी प्रतिमा है जो कार्य की गई है पत्थर के ऊपर, और यहाँ पर शिव और पार्वती माता की प्रतिमा है, मूर्ति है। आप तो दोस्तों मंदिर के पिछले वाले भाग में आ चुके हैं, और यहाँ पर मंदिर के ऊपर जो नक्काशी की गई है देवी देवताओं की मूर्ति आपको देखने को मिलेगी, और जो कामुक मूर्तियाँ हैं ना वो देखने को मिलती है, जो मध्य प्रदेश में आया जो खजुराहो मंदिर है उनके ऊपर देखने को मिलती है वही नक्काशी, जो कामुक मूर्तियाँ है इस मंदिर के ऊपर भी देखने को मिलती है। तो इसीलिए इस मंदिर को गुजरात का खजुराहो कहते हैं, और आप देख सकते हो कामुक मूर्तियाँ और देवी देवताओं की अप्सराओं की मूर्ति आपको देखने को मिलती है, और काफ़ी अच्छा आर्किटेक्चर है 1000 साल पहले। सच में दोस्तों सोचने वाली बात है कैसे बनवाया होगा। तो आप देख सकते हो बहुत ही अच्छी कार्विंग की गई मूर्तियाँ हैं, और कितनी बारीकियों के साथ कार्य किया गया है, उसकी सब कुछ दर्शाया गया है, आप देख सकते हो। दोस्तों आप देख सकते हो पत्थरों के खूबसूरत कार्विंग, और यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ लोग हैं वो सरनाई बजा रहे हैं, और यहाँ पर जो आदिवासी नृत्य है वगैरह बताए गए हैं। ये एलिफेंट है और ये उसको पकड़ रहा है, और एक घोड़े ऊपर बैठा एक आदमी है, और यहाँ पर कुछ लोग ढोल बजा रहे हैं और कुछ लोग नाच भी रहे हैं, ये देखो नाच रहे हैं। ये काफ़ी अच्छी कार्विंग है, और कुछ लोग यहाँ पर नमस्कार कर रहे हैं, नमस्कार वगैरह नमस्ते करे और जा रहे, जो आदिवासी में कल्चर है वो दर्शाया गया है यहाँ पर, और छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखा गया है, कार्व किया गया है। और ये ऊपर का आर्किटेक्चर देखो काफ़ी सुंदर है, और ऊपर भी देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं, अप्सराओं की मूर्तियाँ है, ये देख सकते हो दोस्तों, और सुंदर आर्किटेक्चर है। तो दोस्तों ये मुख्य मंदिर है, और आगे दो मैंने मंदिर दिखाए थे, और ये उनकी नींव ही बची हुई है, और ये यहाँ पर टोटल 5 मंदिर थे, लेकिन हाल ही में तो एक मुख्य मंदिर ही बचा हुआ है, ये वाला, और एक छोटा मंदिर, और ये छोटा मंदिर, और 2 आगे है। और ये मंदिर की जो पीछे का नज़ारा है काफ़ी अद्भुत है। मंदिर का शिखर तो नहीं है दोस्तों, शिखर ऐसा बताया जाता है कि जब विदेशी आक्रमणों के दौरान तोड़ दिया गया था, तो शिखर वाला भाग नहीं है। तो दोस्तों मंदिर के आसपास बहुत सारे आपको अवशेष देखने को मिलते हैं, देख सकते हो आप अवशेष, और ये मंदिर के जो शिखर वाला भाग है उसके ऊपर पत्थर के ऊपर कार्य किया गया है वो देखने को मिलेगा। ये शिखर वाला भाग है उनके जो तोड़फोड़ की गई है वो देखने को मिलते हैं।
लेकिन यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो बताते हैं कि इस मंदिर का निर्माण एक ही रात में किया गया था, यानी कि कोई इंसान ने कोई राजा ने नहीं बनवाया था, लेकिन जो देवी देवताओं द्वारा बनवाया गया था एक ही रात में सुबह हो गई तो वो आधा छोड़कर चले गए, ऐसा स्थानीय लोग बताते हैं। तो दोस्तों इतिहासकार यही बताते हैं कि महमूद गजनवी जब गुजरात पे आक्रमण करते आए तो खजाना लूटने के लिए बहुत सारे जो मंदिर रास्ते में आए उनको खजाना लूटने के लिए तोड़ दिए गए, ऐसा इतिहासकार बताते हैं। तो सच में दोस्तों आप देख सकते हो मंदिर है वो खंडित अवस्था में है और यहाँ पर भी बहुत सारे अवशेष पड़े हुए आपको देखने को मिलते हैं आसपास मंदिर के आसपास। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। मैं मिलूँगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो देखने के लिए तुम्हारा आभार। आप जो जय हिंद जय भारत।